से पेंट उतरा कहीं भी ये करते हुए टेप उतारते हो तो ये पेंट करा के देंगे दोनों भाई। भाई इतनी बाइक के कहां से खोल दी, बाइक ठीक करने का काम तो नहीं खोल लिया गया? भाई चेक करो टैनर पूरी रैप हो रही है यहाँ पे BMW। यार रैप देख रहे कितना बढ़िया लग रहा है भैया, रैप ब्रेकअप हो गया इसलिए दिल में कर रही है। सारे काले काम बंद वाइट होने जा रही है। हाँ यार बड़ी सेक्सी लग रही है, मैं इसको बोल रहा था भाई उतारने का मन नहीं कर रहा है। भाई लड़की चला रही है देखो बुलेट, 3 4 5 6 7 8 पकड़ के बैठ जा। हाँ जी क्या हो गया? सो गाइस आज हमारे रूम से हो रही है व्लॉग की स्टार्टिंग। भाई ऐसा कुछ अपना रूम है, अभी मैंने होम टूर नहीं करा भाई, ज़रूर करेंगे। गोल्डन बटन सिल्वर बटन एसी भी लग चुका है रूम के अंदर और ऐसा कुछ अभी रूम है, बाकी आपको पूरा होम टूर करवाएंगे। और गाइस अब चला सीधा मिलते हैं आपको बाइक के ऊपर, बाइक को करते हैं अंदर। और भाई जान क्या हाल है भाई, इतनी बाइकें कहाँ से खोल दी, बाइक ठीक करने का काम तो नहीं खोल लिया गई? रैपिंग ही हो रही है, बढ़िया यार। भाई मेला लगा हुआ पूरा है, मैं गलती से आगे निकल गया था यार ना, गलती से मैं आगे निकल गया था, मुझे पता नहीं लगा तो आगे निकल के वो भी भाई आगे निकल गया था। अच्छा तो मेरे पास ही आई है। भाई चेक करो टैनर पूरी रैप हो रही है यहाँ पे, और अपनी BMW कितनी प्यारी लग रही है। ये भी हमारे भाई ने वो करी थी रैप। ये कौन सी बाइक है? अच्छा पाची है। बियर्ड बहुत बढ़िया लग रही है यार तुम्हारी, सेक्सी लग रही है। चल आए हाय अभी रुक जा, चढ़ाइयों मत चढ़ाइयों मत, अभी उसको हटा के फिर चढ़ेगी। ले 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 चढ़ गई। चलो भाई चढ़ गई भाई गाड़ी, मुझे लग रहा था ईंट की ज़रूरत पड़ेगी भाई, गाड़ी इतनी भी नीवी नहीं है पता लग गया, पास कर दी गाड़ी यहाँ पे। भाई यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियाँ बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, और भाई गाड़ी हमारी भी आ चुकी, ऑटोमेटिक लाइट्स चल गई हैं जैसे अंधेरे। बस भाई मैं ना अभी गाड़ी लेके आ रहा, धूप में मैंने देखा रैप, मैं कहा भाई मेरा रैप उतारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यार रैप देख रहे कितना बढ़िया लग रहा है भैया, रैप से फोटो खींच के आऊं पीछे मैं, भाई इतनी सेक्सी लग रही ना गाड़ी देख रहे हो भाई, शाइन मैं तो डेली साफ होती हूं, येलो वो मस्टैंग वाला फील आता है नहीं? हाँ यार बड़ी सेक्सी लग रही थी, मैं इसको बोल रहा था भाई उतारने का मन नहीं कर रहा इसको, तो भाई बहुत सेक्सी लग रही थी चलती हुई, और मैं कहा चलो थोड़ा टेस्ट चेंज कर लेते हैं, अभी तक बिल्कुल ओके है, कुछ नहीं फटा। ये अभी ना उतारने लगे थे, मैंने कहा भाई वीडियो बनानी है इसलिए ये यहाँ से निकला हुआ लग रहा है, नहीं तो पूरा रैप ना बिल्कुल ओके रहा, रैप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं बता देता हूँ एक्चुअली मैंने रैप क्यों चेंज कराया था, आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले जब भाई के पास आया था, वो रैप में ना क्या होता है कि गाड़ी साइड से स्क्रैच हुई थी तो ये ना यहाँ से रैप फट गया था, तो इसलिए मैंने चेंज करवाए थे। रैप खराब होने का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे यही पेंट होता तो मेरी गाड़ी लगती, यहाँ से पेंट उतर जाता तो मुझे बम्पर पेंट करवाना पड़ता, तो इसीलिए मैंने ना बम्पर दोनों करवाए थे कि गाड़ी अच्छी दिखे। और गाइज अब कौन से वाला रैप करवाएं, ये सामने रैप पड़े हुए हैं और इनमें से हमने चूज भी कर लिया है। भैया वो वाला रैप पड़ा हुआ है जो उन साहब ने बोला था, पड़ा हुआ है ना, तो गाइज इसमें से गेस कर लो कौन से वाली गाड़ी रैप होने वाली है। मैं आपको ना 3 ऑप्शन दे देता हूँ, उनमें से नीचे कमेंट करके बताना कि मैं कौन सा रैप करवा रहा हूँ। एक तो भाई वो सबसे पहले आपको पर्पल दिख रहा हो और ये ग्रीन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मेरी फिंगर है, और एक स्काई ब्लू, तीनों में से मैं कौन सा रैप करवाने वाला हूँ तो भाई नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और नियॉन रैप्स भी पड़े हुए हैं वो देखिए, ऑरेंज भी है वो भी नियॉन टाइप है, पिंक भी है, एक सारे अलग अलग शेड है, आर्मी कलर्स जो फॉरन में बहुत चलती हैं गाड़ियाँ। देखो जी ये BMW की स्कूटी आपने देखी होगी, ये कलाकार ये बैठे हो हंस रहे हैं देखो यार। तो फटाफट ना गाड़ी का रैप उतारते हैं, आपका पेंट कभी भी खराब नहीं होगा, रैप देखिए कैसे होता है। कभी भी आप गाड़ी को रैप करवाते हो तो उतारना आपने गर्म करके कि आपकी गाड़ी का पेंट नहीं खराब होगा बिल्कुल भी। रैप देखिए कैसे उतर रहा है, ये देखो भाई आपका रैप बिल्कुल इजीली उतरेगा, ये देखिए ये ओरिजिनल टेप की पहचान है कि जो रैप होता है ना, ये देखो आपका पेंट कभी भी खराब नहीं करेगा, देखो पेंट बिल्कुल नीचे तो वाइट गाड़ी निकल के आ रही है। गाइस मैं सिद्धार्थ भाई को बोल रहा था भाई मेरे दरवाजे रहने देना, क्योंकि भाई मेरा AMG उतारना पड़ेगा भाई। ये दोनों भी रहने देते हैं, मैचिंग करेंगे। पूरी गाड़ी वाइट रहेगी और साथ में दरवाजे और वो वाले साइड मेरे ना वो येलो रहेंगे, ठीक है भाई मैचिंग पूरी मैचिंग करेगी। जैसे पेंट उतरा कहीं भी ये करते हुए टेप उतारते हो तो ये पेंट करा के देंगे दोनों भाई, डन है ना वगैरह बिल्कुल। मैं खुद ही बाहर से करवा लूंगा, ब्रेकअप हो गया इसलिए फिल्में उतर रही है। अच्छा जी चेक करो फिल्में उतर रही है गाड़ी की, सारे काले काम बंद वाइट होने जा रही है। चुप कर बे कुत्ते, कहां से हो भी की गाड़ी वाइट, ये देखो रैप कौन सा होने वाला है अब आप देख के एक बार, वो तो भाई बताएंगे वो कौन सा रैप करने वाले हो दोबारा। भाई वो फोटो भेज दे
फाइनली अपनी गाड़ी का रैप उतर चुका है, ये चेक करिए भाई, बिल्कुल ओके है, कहीं से भी भाई पेंट नहीं उतरा भाई, ये फायदा होता है ओरिजिनल रैप का। Hey guys, what's up? This is HSB, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस, आज जा रहे हैं नारायणा किसी काम से। शिवरात्रि मना रहे हो? और सब बढ़िया भाई, आप भी आ गए ब्लॉग में। सो गाइस, आज जाया जा रहा है नारायणा, वहाँ से सामान उठा के लाना है एक बाइक का। मैं एक्चुअली बाइक में ना कुछ कार्बन फाइबर पार्ट्स हैं वो लगवा रहा हूँ। पहले ना मेरी बाइक रैप हो रखी थी, तो उसकी जगह जहाँ पे मैंने कार्बन फाइबर टेप लगाई हुई थी ना, वो वाले पार्ट्स मुझे ना बहुत सही रेटों पे मिल रहे हैं, तो वो मतलब सीधा इंपोर्ट करवाए हैं दुबई से, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। वहाँ पे जाके हम लेंगे पार्ट्स को और उसके बाद लगवाएंगे बाइक के ऊपर। पर उसका एक रीज़न है, एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो कार्बन फाइबर पार्ट्स लगवाते गए, वो बाइक को ना वेट रिड्यूस करने के लिए, और एक टेप कार्बन फाइबर आती है उसमें और कार्बन फाइबर पार्ट्स में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो चीज़ भी मुझे बिना देखने के बाद समझ आई, तो उनका बहुत बढ़िया लिंक है। जो मेरे टैंक के पास में पार्ट लगता है ना प्लास्टिक का, वो मैंने टेप करवाया हुआ था, एक नक्का टूटा हुआ है, तो इस चक्कर में पार्ट सोच रहा था कि वही वाला नॉर्मल पार्ट लगवा लूँ, बट उसके बाद मुझे कार्बन फाइबर पार्ट मिल गया जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गया, तो वो मैं लेने जा रहा हूँ। बाइक के पार्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है। चलो यहाँ से निकलते हैं ट्रैफिक से। बाई मिस्टेक ना वो नक्का टूट गया है, तो अब मैं वो नक्के के लिए ना स्पेशली कार्बन फाइबर पार्ट ले रहा हूँ। वैसे मैंने नॉर्मल भी पूछा था भाई, कंपनी से इतने एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं ना, कुछ कहने की हद नहीं। तो बाकी एक सरप्राइज़ आने वाला है, बाइक का ही सरप्राइज है। मैंने BMW का क्लेम लेने के लिए भी बोला था कि मुझे क्लेम में वो पार्ट चेंज हो जाए, बट उन्होंने वो ना माने नहीं। वो एक्चुअली नक्का टूट गया, तो ज़्यादा कोई बड़ा सीन नहीं है, प्लास्टिक वेल्डिंग भी हो सकता है, बट वो प्लास्टिक वेल्डिंग होके ना पूरा सेट नहीं बैठ रहा, तो इसलिए मैं पार्ट ही चेंज करवा रहा हूँ। उसका टैंक के राइट साइड पे लगता है, बुलेट के अंदर भी ना छोटी मोटी कमियाँ आ रही हैं, तो मैं इसलिए मैं जैसे आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि बुलेट मैं चेंज करने वाला हूँ, बट मैं अब चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मुझे इतने सही सही ईमेल आए हैं ना सरदार बंदों के, कोई गुरप्रीत सिंह नाम का बंदा है और एक जसवंत सिंह ऐसे समथिंग है, मुझे मेल आया उनका, उन्होंने मुझे बताया, कहता पाजी मैंने नई स्टैंडर्ड ली थी, हालांकि मैं 5 साल से लगातार बुलेट चला रहा हूँ। उन्हें इतनी बात बताई, कहता पाजी मैं पठानकोट रहता हूँ, कहता भाई मैं लुधियाने में कॉलेज जाता था, कहता पाजी मैं डेली स्टैंडर्ड चलाता था, कहता इतना स्वाद था ना, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, कभी दिक्कत भी आती थी ना तो मैं घर में ठीक कर लेता, कहता जब से मैंने स्टैंडर्ड न्यू लिया ना 2022 मॉडल, उसको मेरे ख्याल से 3 महीने हुए चलाते हुए, कहता पाजी इतनी दिक्कतें आ रही और वो स्वाद नहीं है, कहता मैं लगातार 5 साल से चला रहा था, तो कोशिश करो कि BS3 मॉडल BS4 मॉडल तक समझ आती है, BS6 बुलेट ना लो। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड करा, तो नॉर्मल बाइक है उसके अंदर बस बुलेट का इंजन लगाया हुआ है, शॉकर्स हो गए, ब्रेक्स हो गई, बिल्कुल पल्सर की तरह, मतलब नॉर्मल जैसे बाइक्स होती है ना अपाची पल्सर, तो उस टाइप की बाइक है वो, और भागती भी है ठीक है, कहता पर वो स्वाद नहीं है बुलेट का जो स्वाद होता है ना। मैंने पढ़ा, मैंने उसको रिप्लाई करा, मैं कहा यार बहुत अच्छा लगा भाई तूने मुझे ये बात बताई, तो उसने मतलब इतना बढ़िया मेल डाला हुआ था ना और पूरा प्रॉपर समझा के। और एक और बंदा था वो आई थिंक था अंबाले से, तो उनने भी बताया कि पाजी BS3 मॉडल रखो आप, BS6 ना लो बुलेट, आपने लेनी है तो इसको सेल करके ही BS3 या BS4 ले लो। तो मैंने कहा कह रहा तो भाई कुछ ना कुछ तो उसकी बात में दमक रहा हूँ, हालांकि उनने अपनी फोटोज़ भी शेयर करी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको रिप्लाई करा, मैं कह यार बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर एडवाइस, उनकी एडवाइस मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो नंबर देखो भाई सियाज का 13i0d4 भाई, ये अम्बेसी की गाड़ी है, अम्बेसी की गाड़ियों के ऐसे नंबर होते हैं, देखो तीनों की शक्ल देख लो, नीचे इनके लिए सल्यूट बना देना यार। भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मज़ा आ गया यार, तो बुलेट खींच के दिखाएं एक बार ये आपको, आवाज़ सुनो यार क्या आ रही है भाई, आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है भाई। ये लेडीज़ क्यों बैठी हुई है यहाँ पे भाई, पूछ लेते हैं लेडीज़ क्यों बैठे हुए हैं इधर। हाँ जी क्या हो गया बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो लात लगानी, पेट्रोल कोई हेल्प की ज़रूरत, अच्छा जा मैं कहा कोई पेट्रोल वगैरह तो नहीं ख़त्म हो गया, ठीक है ना, इट्स ओके ना, ठीक है ठीक है। तो यार वहाँ पे लेडीज़ बैठे थे, तो मैंने कहा यार उनकी हेल्प करी जाए, तो मैंने इसलिए पूछ लिया, बट वो आई थिंक रो रहे थे, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रो रहे थे भाई वो। हाँ यार कोई नहीं यार, वो चीज़ तो हम नहीं कर सकते, किसी के दिल में घुस के बंदा नहीं देख सकता, पानी में तो क्या नानक दुखिया सब संसार, यार सारे ही दुखी हैं। मैंने बोला पेट्रोल तो नहीं ख़त्म हो गया, कहती हेलमेट वेलमेट सब है, थैंक यू, तो थोड़ी सी स्माइल उन्होंने कर दी, तो मैं समझ गया कि कोई फैमिली इशू हो सकता है। बाकी यही बोलूँगा यार, भगवान का नाम लिया करो, टेंशन है तो यार हर किसी को इतनी है ना, बस ये चीज़ करो कि किसी के साथ हेट मत करो, प्यार करो और सबके साथ ना अच्छा करो, भगवान तुम्हारे साथ अच्छा जरूर करेगा यार। बहुत बंदे हैं जो डिप्रेशन में हैं, ये बोलते हैं किसी के साथ बुरा मत करो कि भगवान तुम्हें वो चीज़ दिखाए, भगवान का नाम लिया करो, मेडिटेशन करा करो, तुम्हारी सारे डिप्रेशन, तुम्हारी सिरदर्दियाँ, टेंशनें सब खत्म हो जाएंगी। ये मैं अपना नुस्खा बता रहा हूँ, अपना खींच के दिखाते हैं, पटाखे सुना दे फिर
भाई देखो बुलेट अपनी इतने में चल रही है, 80 पे चल रही है बुलेट, सामने रोड बिल्कुल खाली है। आप देखो भाई पटाखे सुनो जरा, अरे बाप रे बाप भाई बहुत लाउड है मेरी बुलेट यार। बाइकिंग ना एक ना स्ट्रेस दूर करने वाली चीज़ है यार। जब भी कोई चीज़ की टेंशन होती है, कोई भी चीज़ को लेके बंदा माइंड में सोच रहा होता है ना भाई, मैं तो बाइक राइड करता हूँ, मेरी माइंड की ना टेंशनें दूर हो जाती है, सब कुछ दूर हो जाता है, जिस चीज़ का फिक्र भी होता है ना वो भी दूर हो जाता है। तो बाकी हर किसी की अलग चीज़ होती है, कुछ बंदे नशा करते हैं, कुछ बंदे पीने लग जाते हैं जब टेंशन होती है, या फिर उनको और भी चीज़ें बहुत होती हैं वो करके उनको टेंशन दूर होती है। हमने जहाँ से सामान लेना है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब ना आपको सामान लेके ना फिर करेंगे कैमरा ऑन।